द केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा को आप सभी जानते हैं। अदा ने हाल ही में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में खुलासा किया। उसने बताया कि विभिन्न फिल्मों और वेब सीरीज के लिए उन्हें अलग अलग बॉडी टाइप्स अपनाने पड़े थे, जिसका उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए हुए इंटरव्यू में अदा ने बताया कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। अदा शर्मा ने कहा कि इन फिल्मों के लिए मुझे अलग अलग तरह की बॉडी की जरूरत थी। द केरला स्टोरी के पहले भाग में मुझे पतली और दुबली होना था ताकि मैं एक कॉलेज गर्ल की तरह दिख सकूं। कमांडो के लिए मुझे ताकतवर बनना था। सनफ्लावर में डांसर के रोल के लिए मुझे सेक्सी दिखना था। बस्तर के लिए मुझे हेल्दी और तगड़ी कद काठी अपनानी पड़ी, क्योंकि मेकर्स चाहते थे मेरा व्यक्तित्व विशाल हो ताकि मैं प्रभारी और नियंत्रण वाले व्यक्ति की तरह दिख सकूं। इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला है, जिससे उसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया। एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड्स रुकते नहीं हैं। अदा शर्मा ने बताया कि उसे 48 दिन तक ब्लीडिंग होती रही। ये सामने आते ही उसके फैंस ने उसे ख्याल रखने की सलाह दी।